हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो है गेट के सोम के थिन सिलेंडर से। तो थिन सिलेंडर से मैंने कुछ क्वेश्चन उठाए, उनको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको इस चैनल पर इसरो के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ESC के क्वेश्चन मिल जाएंगे और SSC JEE के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे जो कि एग्जाम में आते हैं प्रीवियस ईयर के सॉल्व किए हुए विद एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अ थिन सिलेंडर ऑफ 100 mm इंटरनल डायमीटर एंड 5 mm थिकनेस इज सब्जेक्टेड टू अ इंटरनल प्रेशर ऑफ 10 MPa एंड टॉर्क ऑफ 200 Nm। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो आपको इसमें प्रिंसिपल स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो टॉर्क दिया हुआ है, टॉर्क उससे निकलेगा टाउ, और एक सिग्मा तो हम जानते हैं कैसे निकालते हैं। सिग्मा वन यानी कि सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस, और हुफ स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, PD अपॉन 2T, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, PD अपॉन 4T। ये फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा, 10 मेगा पास्कल, और डायमीटर कितना दिया हुआ है, 100 डिवाइड बाय 5। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है 10, और ये कितना दिया हुआ है डायमीटर 100, और थिकनेस दी हुई है 5। तो इससे कितने टाइम्स आएगा 2, तो कितना आ जाएगा 200 टाइम्स आ जाएगा, इंटू 2 भी है तो कितना आ जाएगा 100। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 100। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, इस 5 से ये 2 टाइम्स आएगा और इससे ये 2 टाइम्स आएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा 50। ये इसका आप आ जाएगा 50 मेगा पास्कल, ये आ जाएगा, ये कितना आ गया 100 मेगा पास्कल। ठीक है, अब मेरे पास दिया हुआ है टॉर्क, तो टॉर्क से मुझे क्या निकालना है, टाउ। जैसा कि हम जानते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाय 2 प्लस माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, अब मुझे टाउ भी कैलकुलेट करना है। तो टाउ कैलकुलेट करने के लिए मैं फॉर्मूला क्या अप्लाई करूँगा, टी अपॉन 2πr² इंटू टी इज इक्वल टू टाउ। ये मैंने कैसे अप्लाई किया, टी कहाँ से आया ये आप देख लीजिए, ये कैसे आया ये भी आप देख लीजिए। ये देखिए ये कहाँ से आया, मैं आपको बताता हूँ। एक थिन सिलेंडर होता है, थिन सिलेंडर, इसके लिए फोर्स, यदि इस पर फोर्स लगता है तो इसके कौन से एरिया पर लगेगा, इस एरिया पर फोर्स लगेगा, यानी कि मेरे पास ये सिलेंडर है मेरा, तो इसके इस वाले एरिया पे फोर्स लगेगा। तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई डी फॉर्मूला होता है, या फिर हम ऐसे के क्या लिख सकते हैं इसको, 2πr। ठीक है, ये होता है कि पेरीमीटर इंटू, इसकी कुछ थिकनेस भी होगी ना, इस सिलेंडर की मेरी कुछ थिकनेस भी होगी ना, थिकनेस इंटू टी, तो ये क्या आ गया इसका एरिया, और इसमें क्या टेंसाइल फोर्स लग रहा है, तो टेंसाइल फोर्स भी लगेगा, किस एरिया पर लगेगा, इस एरिया पर। तो स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला हो जाता है 2πrt। अब यदि मैं इसको टॉर्क में कन्वर्ट करूंगा फोर्स को, तो किससे, आर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो नीचे से भी आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा टॉर्क अपॉन 2πr² इंटू टी, तो ये कहा जाएगा टाउ। तो इस तरह ये फॉर्मूला यहाँ से आया है, ठीक है, आपको याद रखना है, इस तरह आया है। तो टी की वैल्यू मुझे कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, टी कितना दिया हुआ है 2000 इंटू 10^3 न्यूटन मीटर में दिया हुआ, मैं न्यूटन एमएम में कन्वर्ट कर लूँगा, 2 इंटू पाई इंटू, रेडियस कितनी दी हुई है 50, डायमीटर 100 दिया हुआ तो 50 का स्क्वायर इंटू थिकनेस कितनी दी हुई है 5। तो यहाँ से जब मैं टी कैलकुलेट टाउ कैलकुलेट करूँगा, तो जो टाउ की वैल्यू मेरे पास आएगी वो कितनी आएगी, 25.81 के समथिंग आएगी, 25.46 इतनी आएगी मेरे पास वैल्यू। ये आ गई कितनी, 100 ये आ गई 50 mm। तो इस फॉर्मूले में यदि मैं वैल्यू पुट करता हूँ, तो कितना आ जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू 100 प्लस 50 बाय 2 प्लस, यदि मैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालता हूँ, तो कितना आ जाएगा 100 माइनस 50 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 25.46 का स्क्वायर। चलिए मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो कितना आ जाएगा 75
ये कितना आ जाएगा 75 प्लस ये कितना आ जाएगा 50 और ये कितना आ जाएगा 25 स्क्वायर प्लस 25.46 का स्क्वायर 25 प्लस 25.46 25 का स्क्वायर करना पड़ेगा स्क्वायर प्लस 25.46 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट और कितना हो जाएगा 75 माइनस आंसर तो कितना आ जाएगा 39 ओ सॉरी प्लस करना पड़ेगा अंडर रूट और 75 प्लस आंसर तो कितना आ जाएगा 110.68 ये आ गया मैक्सिमम वाला और मिनिमम वाला कितना आ जाएगा 75 माइनस 35.682 तो कितना जाएगा 39.318 ये मिनिमम वाला आ जाएगा तो ये इसके दो आंसर होंगे क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं ठीक है इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अ थिन थिन सिलेंडर ऑफ रेडियस 500 mm एंड द थिकनेस ऑफ 10 mm सब्जेक्टेड टू अ क्या सब्जेक्टेड टू अन इंटरनल प्रेशर ऑफ 5 MPa द एवरेज सर्कमफेरेंशियल हुप स्ट्रेस तो फॉर्मूला क्या होता है PD अपॉन 2T सर्कमफेरेंशियल या फिर हुप स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला होता है तो ये कितना हो जाएगा 5 × डायमीटर कितना हो जाएगा 1000 या फिर डायरेक्ट लगा दीजिए PR/T तो ये कितना हो जाएगा 5 × इन रेडियस कितनी दी हुई है रेडियस 500 थिकनेस कितनी दी हुई है 5 तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा है ना तो कितना आ जाएगा 250 MPa उसका सही आंसर कितना हो जाएगा 250 MPa चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अ थिन वाल्ड स्फेरिकल सेल इज सब्जेक्टेड टू अ इंटरनल प्रेशर इफ द रेडियस ऑफ द सेल इज इंक्रीज बाय 1% एंड द थिकनेस ऑफ द रिड्यूस बाय 1% देन द इंटरनल प्रेशर रिमेनिंग द सेम बाथ परसेंट चेंज इन द सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस देखिए जो सिलेंडर होता है उस केस में उसमें दो स्ट्रेसेस आती हैं एक सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस और एक हुप स्ट्रेस सिलेंडर के केस में सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है PD/2T और ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है PD/4T लेकिन देखिए कि जो स्पेयर होता है ना उसमें मिनिमम स्ट्रेस ही आता है तो चाहे क्योंकि स्पेयर तो एक ही शेप का होगा चाहे इधर से ले लीजिए चाहे इधर से ले लीजिए यदि बॉल है चाहे ऐसे पकड़िए चाहे ऐसे पकड़िए तो उसके लिए मिनिमम स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है PD/40 आपको ये ध्यान रखना है चलिए अब मैं इसके साथ इंक्रीज और डिक्रीज करता हूँ इनिशियल उसमें स्ट्रेस इतनी रही होगी मान लेता हूँ क्योंकि स्पेयर के केस में स्ट्रेस का फॉर्मूला निकालने का यही होता है इनिशियल इतनी रही होगी अब सेकेंड केस में उसने क्या कर दिया सेकेंड केस में कर दिया प्रेशर तो इतना ही रहा जो रेडियस है ना तो ये रेडियस के फॉर्मूले टर्म में क्या हो जाएगा PD/PR/2T ये फॉर्मूला हो जाएगा रेडियस के टर्म में उसने रेडियस कितने से 1% से इंक्रीज कर दी तो कितना हो जाएगा 1.01 × r × 2 और थिकनेस कितनी कर दी 1% से डिक्रीज यानी कि 0.99 थिकनेस के बराबर हो गई जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1.02 PR/2T ये इसकी टर्म में आ गई है ठीक है इसकी टर्म में यदि मैंने निकाल ली है ये कितनी आ गई σ2 और ये कितनी दी हुई थी σ1 की ये वाला टर्म दिख रहा है आपको ये क्या दिख रहा है σ1 तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं σ1 अब देखिए इतनी ज़्यादा आ रही है तो मेरे को परसेंटेज में चाहिए तो इसमें से इसको मैं माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है 1.0202 -1/100% तो कितना जाएगा 2.02% इसमें चेंज कितना आएगा 2.02% का चेंज आएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन अ लॉन्ग थिन वाल्ड सिलेंडर सेल सब्जेक्टेड टू बोथ क्लोज एट बोथ द एंड सब्जेक्टेड टू अ इंटरनल प्रेशर द रेशियो ऑफ हुप स्ट्रेस टू सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डेवलप इन द सिलेंड्रिकल सेल तो जैसे कि हम जानते हैं σ1 और ये σ2 ये कितना होता है PD/2T और ये कितना होता है PD/4T इन दोनों का रेशियो निकालूंगा तो ये 4 वाला ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा 2 ठीक है जो कि इसमें ऑप्शन दिए हुए 0.5124 इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 2 चलिए अ थिन गैस सिलेंडर विथ अन इंटरनल रेडियस ऑफ 100 mm इज सब्जेक्टेड टू अ इंटरनल प्रेशर ऑफ
10 मेगा पास्कल द मैक्सिमम परमिसिबल बल्किंग स्ट्रेस इज रेस्ट्रिक्टेड टू 100 मेगा पास्कल द मिनिमम बॉल थिकनेस। इसने मिनिमम बॉल थिकनेस इसलिए बोला है कि मिनिमम बॉल थिकनेस कितनी रख सकते हैं, पी डी अपॉन 2t, इसमें मिनिमम आएगी और इसमें सिग्मा वन यानी कि सर्कमफेरेंशियल ऑफ हुप स्ट्रेस में मिनिमम आएगी और इसमें मैक्सिमम बॉल थिकनेस आएगी। तो उसने बोला कि हम मिनिमम थिकनेस कितनी रख सकते हैं यानी कि ये निकालनी है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। ये कितना दिया हुआ, इंटरनल प्रेशर कितना दिया हुआ है 10 और स्ट्रेस कितनी रेस्ट्रिक्ट कर दी उसने 100 और द सिलेंडर रेडियस कितनी दी हुई है 100 और थिकनेस हमको निकालनी है। रेडियस 100 दी हुई है तो इसको रेडियस की टर्म में कन्वर्ट करने के लिए पी आर अपॉन टी लिख दूंगा मैं, इसलिए कन्फ्यूज नहीं होना है। यदि आप डायमीटर की टर्म में लिखना चाहते हैं तो यहाँ 200 लिखिए और डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए तब भी 100 ही आएगा। तो 100 से 100 कैंसिल आ जाएगा और थिकनेस कितनी आ जाएगी 10 mm। देखिए इसमें है ना एक डैश लाइन खींची हुई है यानी कि कुछ ऑप्शन होते हैं गेट में जिनमें ऑप्शन आते हैं और कुछ नहीं आते हैं, जिनमें ऑप्शन नहीं आते हैं उनमें माइनस मार्किंग नहीं रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दिया हुआ है, अ गैस इज स्टोर्ड इन द सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ इनर रेडियस 7 meters एंड बॉल थिकनेस इज 50 mm इज द गेज प्रेशर ऑफ द गैस इज 2 MPa द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन द बॉल। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालनी है हमको बॉल में। देखिए एक होती इन प्लेन शेयर स्ट्रेस, एक होती आउटर प्लेन शेयर स्ट्रेस। यदि उसने बोल दिया कुछ प्लेन लेंथ कुछ मेंशन नहीं किया, डायरेक्ट बोल दिया मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, तो आपको आउटर प्लेन की शेयर स्ट्रेस निकालनी है। जो हमारा सिलेंडर होता है ना थिन सिलेंडर उसमें हम ये कंसिडर करके चलते हैं कि हम 2 dimensions में ही पढ़ रहे हैं, तो थर्ड डायमेंशन की हम स्ट्रेस उसमें मेंशन नहीं करते, तो थर्ड डायमेंशन की जो स्ट्रेस हो जाएगी वो हो जाएगी 0, यही होता है ना। और मैक्सिमम स्ट्रेस निकालने के लिए, शेयर स्ट्रेस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2। तो ये सिग्मा 1 मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, पी आर अपॉन 2t, पी डी अपॉन 2t ये हो जाती है। सिग्मा 2 यानी कि जेड प्लेन में, एक्स और वाई प्लेन में तो हम थिन सिलेंडर पढ़ते हैं लेकिन जेड प्लेन में नहीं पढ़ते, तो जेड प्लेन में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसने पूछा गेज प्रेशर, गेज प्रेशर से कन्फ्यूज नहीं होना, जो थिन सिलेंडर है फिर थिक सिलेंडर के केस में हम जो प्रेशर कैलकुलेट करते हैं ना वो हमेशा गेज प्रेशर ही रहता है। कैसे, कि हम उसमें अबव द एटमॉस्फेयर ही कंसीडर करके चलते हैं कि कितना ज़्यादा होगा एटमॉस्फेयर से, इसलिए गेज प्रेशर में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, चलिए निकाल देते हैं। ये समझ में तो आ गया ना कि सिग्मा 2 की वैल्यू मैं यहाँ 0 रखूँगा क्योंकि ये आउटर प्लेन में निकाल रहा हूँ, और आप दो ही प्लेन कंसीडर करके चलते हैं, जो थिन सिलेंडर होता है उसमें हम एक ये वाला प्लेन कंसीडर करके चलते हैं और एक ये वाला प्लेन कंसीडर करके चलते हैं, तीसरे प्लेन में हम वैल्यू कैलकुलेट नहीं करते हैं, उस प्लेन में वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, इसमें मैक्सिमम पूछा है, या फिर ये भी बोल सकता है मैक्सिमम की जगह आउटर प्लेन में शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट कीजिए, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये क्या होता है, पी डी अपॉन 2t माइनस 0 अपॉन 2, तो कितनी आ जाएगी, पी डी अपॉन 4t इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं आप। तो प्रेशर कितना दिया हुआ है यहाँ पर 2, डायमीटर कितना दिया हुआ है, रेडियस दी हुई है, तो रेडियस की टर्म में मैं क्या कर दूंगा, पी आर अपॉन 2t हो जाएगा। रेडियस की टर्म में यदि करना चाहूँ तो डी ओ क्या रख दूंगा मैं, 2r, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रेडियस कितनी दी हुई है 7000 mm में मैंने कन्वर्ट कर लिया, 2 इंटू थिकनेस कितनी दी हुई है 50, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 7000 इंटू 100, इससे ये 2 0 कैंसिल हो जाएगी और कितना आ जाएगा 140 मेगा पास्कल। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। देखिए 7 क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी सेम क्वेश्चन है। अ सिलेंड्रिकल टैंक विथ क्लोज एंड इज फिल्ड विथ अ कंप्रेस्ड एयर एट अ प्रेशर ऑफ 500 किलो पास्कल, द इनर रेडियस ऑफ द टैंक इज 2 meters एंड इट्स वॉल थिकनेस इज 10 mm, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम इन प्लेन शेयर स्ट्रेस बोला है इसमें, यानी कि आप जो 2 dimensions में पढ़ाई करते हैं ना कंसीडर करते हैं केवल उनको ही लेकर चलना है। तो इन प्लेन के लिए शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, पी डी अपॉन 2t माइनस पी डी अपॉन 4t। एक तो क्या हो जाएगा सर्कमफेरेंशियल या फिर हुप स्ट्रेस, दूसरा हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय 2। इसमें इन प्लेन मेंशन कर दिया हुआ है यानी कि जिस प्लेन में आप पढ़ाई करते हैं ना वो भी कंसीडर करना है। यदि ये बोलता आउटर प्लेन या फिर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस तो सिग्मा 2 की जगह पर हम क्या रख देते, 0। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे पी डी अपॉन 40, तो कितना आ जाएगा, पी डी अपॉन 80 डायरेक्ट आ जाएगा, चाहे तो आप निकाल लीजिए। इसमें 2 दिया हुआ है, इसमें 4 दिया हुआ है, इसमें t दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 2 पी डी अपॉन 40 माइनस पी डी, तो कितना आ जाएगा, पी डी अपॉन 40 और यहाँ पर 2 ये वाला रहेगा, यहाँ पर भी 2 रहेगा, तो कितना आ जाएगा, पी डी
अपॉन 80 वैल्यू पुट कर दीजिए 500 किलो पास्कल यानी कि 500 इंटू 10 टू द पावर 3 500 किलो पास्कल को मैंने पास्कल में कन्वर्ट कर दिया। दी इनर रेडियस ऑफ द टैंक यदि रेडियस के टर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे पी आर अपॉन 2t जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो आर की वैल्यू मैं क्या पुट कर दूंगा यहाँ पर 2000 है ना 2 और थिकनेस कितनी दी हुई है यहाँ पर 10 mm तो कितना आ जाएगा फाइनल आपके पास आंसर कितना आ जाएगा इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ठीक है तो ये कितना आ जाएगा 1000 और 5 के अलावा कितना आ जाएगा आपके पास जो प्रेशर है सॉरी ये 2 नहीं आएगा यहाँ पर 4 आएगा तो 1 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 25 मेगा पास्कल आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए सॉम के। देखिए ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं यदि आप कॉन्सेप्ट समझ लें जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था क्या टाउ अपॉन 2πr²t इजिकल टू टाउ दिया हुआ है ठीक है और टाउ इजिकल टू हम जानते हैं tr/j भी होता है। यदि मैं इसके यहाँ इसमें लिखना चाहूँ किसकी वैल्यू जे की वैल्यू तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा टी इंटू आर और जे कितना हो जाएगा 2πr³ t और यही हो जाता है मेरा टाउ। ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ tr/j टाउ इजिकल टू मैं जानता हूँ tr/j होता है। तो ऐसे आपको केवल कॉन्सेप्ट समझना है कॉन्सेप्ट यदि आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करिए और मैं आपको समझा दूंगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसके अलावा आपको ESC के भी क्वेश्चन मिलेंगे गेट के तो हम इसमें किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसके अलावा SSC JEE RRB JEE यानी कि टेक्निकल के सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर विद कॉन्सेप्ट। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।